हिम्मत कैसी हुई यहाँ पे आने की? अरे मैंने बोला उसे यहाँ पर। चिराग, अरे तुम वहां पर क्यों खड़े हो? यहाँ पर कम 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 इज माई स्पेशल गेस्ट फॉर टुनाइट। कम चिराग। मिस्टर चिराग मेहता, वेलकम टू माई होम। साली के संगीत में बीवी का यार ना है, ऐसे चलेगा? और तुम्हें तो खुश होना चाहिए, जिसके घर पे तुम करवा चौथ बनाने के लिए गई थी उसे मैंने आज तुम्हारी बहन की संगीत में सेलिब्रेट करने के लिए बुलाया। सो कम ऑन, सेलिब्रेट विद हिम। कम ऑन, डोंट बी शाय, या कोई बुरा नहीं फील करेगा, ट्रस्ट मी। और इनफैक्ट मुझे भी बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। चलो तुम उधर डांस करो, कम ऑन, कम ऑन, डांस विद ईच अदर। कम 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 कम। ओके चल, जरा सोचो तुम्हें ऐसा अच्छा हस्बैंड कहाँ मिलेगा जो तुम्हें खुद कह रहा है कि अपने यार के साथ जाके एंजॉय करो। हाँ, अगर तुम्हें मेरे यहाँ होने से शर्म आ रही है तो फिर मैं यहाँ से चला जाता हूँ, पर आरबी की ख्वाहिश है कि तुम्हें आज डांस करना ही पड़ेगा। ए डीजे, आप एक रोमांटिक सा म्यूजिक लगाना। हाँ, ऐसा गाना जो सुन के ये दोनों अपने आप को रोक ना पाए। डांस करने से कम ऑन एंजॉय द पार्टी, डांस वेल। कम ऑन निशानी, अब तो तुम्हारे हस्बैंड ने भी कह दिया, अब तुम्हें मना नहीं करना चाहिए। देखो अब आ बीच में बताओ, वरना रणवीर का ना मूड खराब हो जाएगा। पर आपने शायद सुना नहीं, मैं आज का स्पेशल गेस्ट हूँ। मैं जानती हूँ, मैं इन्हें यही बता रही थी कि खास मेहमान का खास ख्याल रखना चाहिए। रणवीर चाहता है तो डांस करे, डांस तो करना पड़ेगा तेरे को मेरे साथ। आपके साथ? पर ईशानी को कहाँ डांस आता है, और मैं पुरानी शौकीन हूँ, इसलिए डांस तू मेरे साथ करेगा। क्या है कि रणवीर की बात भी रह जाएगी और मेरा दिल बहल जाएगा। ए डीजे, आरवी ने तुमको म्यूजिक बजाने के लिए कहा था ने? और डांस करवाऊं? जैसा तू आरवी का मेहमान है ने, वैसे मैंने भी तेरे जानने वालों को मेहमान बना के यहाँ बुलाया। नहीं हमजे हो मारी रे लेनदार, जिससे तूने कर्जा लिया है ने, वो सब तुझे मिलने आ रहे हैं। हमजे हो ना? चल तब तक के लिए तू मेरे साथ डांस कर। उठ हैंड वर्क। क्या बोल रही है? मुझे कुछ इम्पोर्टेंट कॉल करना है, वो मैं करके आता हूँ। नहीं अरे जीना, जीना, जीना। Sorry,
रणवीर एक वादा तुमने मुझसे किया था, एक मैं करती हूँ कि मैं कभी भी तुम्हें गिरने नहीं दूंगी और जब भी तुम गिरोगे मैं तुम्हें संभाल लूंगी। भैया okay. इधर एक सेकेंड मेडिसिन ले लो। रणवीर तुम्हारे हर दर्द की वजह मैं हूं ना, उसकी जो सजा देनी है मुझे दो, अपने आप को नहीं। रणवीर प्लीज अपने आप को मत बदलो, मैं इसे नहीं देख सकती। मैं चाहिए तुम्हें, तुम मेरा बहुत ख्याल रखते हो ना। मैं तुम्हारे लिए, इसीलिए तुमने मेरे लिए करवा चौथ का व्रत भी रखा था। उसके लिए मैं तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहता था, सरप्राइज गिफ्ट। उठो मत, प्लीज बैठे रहो। मैं तुम्हारे हर सुख में दुख में तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। दूसरा वचन, मैं अपने परिवार का सम्मान करूंगा और तुम्हारा और आज से तुम्हारे परिवार का सम्मान करना मैंने छोड़ दिया। तीसरा वचन, मेरा कर्म और धर्म तुमसे नहीं सिर्फ मुझसे होगा, सिर्फ मेरे लिए होगा। चौथा वचन, आज से मेरी जिंदगी में कई लड़कियां होंगी और उनमें से तुम बिल्कुल नहीं होगी। और इन उल्टे फेरों के साथ मैं तुमसे अपनी शादी तोड़ता हूं। और अब जब हमारे बीच में कोई रिश्ता ही नहीं है तो इसे पहन के क्या फायदा। उतार दो ये मंगलसूत्र। नहीं, तुम इसे सिर्फ पहना सकते हो, उतार नहीं सकते। ये मंगलसूत्र मेरे सुहाग की निशानी है। सुहाग की निशानी क्या करोगी इसे पहन के, जब मैंने अपने गले में तुम्हारी बेवफाई की निशानी पहनी है। तुम्हारे दिए धोखे ने मेरे दिल पे जख्म दिए और इसने
दिल के बाहर, और जब तक ये जख्म मेरे सीने में और ये बुलेट मेरे गले में, मैं उस दिन को कभी नहीं भूल सकता। और तुम भी इस दिन को कभी मत भूलना। मैं जानता हूं तुमने इस मंगलसूत्र को क्यों पहन के रखा है। डायमंड जो है इसमें, कोई बात नहीं, पहने रखो, काम में आएगा। और सिर्फ यही क्यों, मेरा एक घर, ऑफिस, मेरा सरनेम भी रख लो, मिसेस ईशानी वाघेला। पर तुम्हें मैं कभी नहीं मिलने वाला। दुनिया की नजर में तुम मेरी पत्नी होगी, पर मैं तुम्हारा पति कभी नहीं रहूंगा। इंसान एक ही बार जन्म लेता है, प्यार एक ही बार करता है, और शादी भी एक ही बार करता है। भगवान ने मुझे दूसरा जन्म दिया, पर मैं तुम्हें दूसरा मौका नहीं दे पाऊंगा। मैंने प्यार एक ही बार किया था, तुम्हें दोबारा प्यार नहीं कर पाऊंगा। रिश्ता जो हमारा टूट गया, उसे दोबारा नहीं जोड़ पाऊंगा। भगवान राम ने अपनी पत्नी सीता की अग्नि परीक्षा ली थी जब रावण ने उनको हर लिया था, पर मेरी पत्नी खुद ही रावण के पास चली गई। तब ना तो कोई रावण से दुश्मनी होगी और ना कोई मेरी पत्नी की अग्नि परीक्षा, लेकिन हाँ, एक नई रामायण जरूर होगी, जहां राम भी मैं होऊंगा और रावण भी मैं।